इस क्लास में हम लेयर्स के वाले से कुछ और इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज़ें सीखेंगे। तो मैं कुछ यहाँ पर शेप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ शेप्स ड्रॉ की। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी लेयर्स बन चुकी हैं। अगर इन लेयर्स को मैं ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं इनको ग्रुप कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम सारी लेयर्स सेलेक्ट करेंगे, तो कंट्रोल ऑल्ट ए मैंने प्रेस किया, सारी लेयर्स सेलेक्ट हो चुकी हैं। इसके बाद अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करूँ तो तमाम लेयर्स ग्रुप हो जाएंगी। ग्रुप होने के बाद ये इस तरीके से नजर आएगा। अगर आप इसको एक नाम देना चाहते हैं तो यहाँ डबल क्लिक करके आप इसको नाम दे सकते हैं। नाम मैंने दे दिया। अब आपने यहाँ पर एक बात माइंड में रखनी है कि ग्रुप में जितने भी लेयर्स होंगी सब की सब इकट्ठी कंट्रोल होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मूव टूल लेकर इनको मूव करने की कोशिश करता हूँ तो आप देखिए सारे एलिमेंट्स इकट्ठे मूव हो रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे इस ऑब्जेक्ट को या इस लेयर को मूव करना है तो सबसे पहले मुझे ग्रुप ओपन करना पड़ेगा। ये जो ट्राइंगल यहाँ पर नजर आ रहा है, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ग्रुप ओपन होगा। अब ये लेयर कैसे पता चलेगा कौन सी है? हम लेयर्स को ऑन एंड ऑफ करके, जो कि हमने पिछले क्लास में सीखा, मैं इसको यहाँ पर चेक कर सकता हूँ। तो ये वाली इसकी लेयर है, मैं इसको ऑन एंड ऑफ करके देख रहा हूँ, तो आप देखिए ये पता चल रहा है। अब ये जो लेयर है, अगर इसको मुझे दोबारा सेलेक्ट करना हो, वैसे तो पोजीशन मुझे पता चल जाएगी यहाँ पर कि ये सेकंड नंबर की लेयर है, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा जहाँ पर ये विजिबिलिटी हमें इंडिकेट हो रही है। राइट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ कलर्स के ऑप्शन मिलेंगे, इसमें से किसी एक कलर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने येलो पर क्लिक किया। अब इससे क्या हुआ, लेयर को मैंने कर लिया मार्क। लेयर मार्क करने से क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं इसको ग्रुप को क्लोज करता हूँ यहाँ पर क्लिक करके, और दोबारा से मुझे इस लेयर को सेलेक्ट करना है, जब मैं ग्रुप ओपन करूंगा तो वो लेयर मार्क हुई भी होगी और मुझे उसकी सिलेक्शन बनाना बहुत आसान होगा। अभी देखिए ये सारा मूव हो रहा है। जब मैं इस लेयर पे क्लिक करूंगा, अब मैं इसको इंडिविजुअली मूव कर सकता हूँ, इस पे अलग से काम कर सकता हूँ। तो लेयर्स को ग्रुप करने का तरीका तो मैंने बता दिया। अगर आपने लेयर्स को अनग्रुप करना हो तो कैसे करेंगे? ये तो हम ग्रुप को भी ओपन कर रहे हैं। अगर आप इस ग्रुप को खत्म करना चाहते हैं, अनग्रुप करना चाहते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करेंगे तो तमाम लेयर्स अनग्रुप हो जाएंगी। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले तो मैं इसकी लेयर देखूंगा कि इसकी लेयर कहाँ पर है। देखिए ये वाली इसकी लेयर है यहाँ पर। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है कि यहाँ से लेयर देखनी पड़ रही है और फिर उसको सेलेक्ट करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो उसकी लेयर खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए प्रॉपर्टी बार में हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है ऑटो सेलेक्ट। अगर आप इसको ऑन कर लेंगे तो इसको ऑन करने से ये होगा कि अब मैं जिस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूंगा उसकी लेयर खुद ब खुद सेलेक्ट होगी और हम इजीली उसको मूव कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इलस्ट्रेटर की तरह काम कर रहा है। अब मैंने ये किया है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स का जो कलर है वो मैंने चेंज कर लिया। हमारे पास दो कलर के ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, एक रेड कलर वाले और एक ग्रे कलर वाले। अब मैं ये करना चाहता हूँ कि रेड वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मैं इजीली कंट्रोल कर पाऊँ। तो मैं अगर देखिए इसको मूव कर रहा हूँ, ये मूव कर रहा है, दूसरे को मूव करेंगे दूसरा मूव होगा। तो इनको अगर इकट्ठा मूव करना है तो इसके लिए अभी हमने सीखा कि हम ग्रुप कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्रुप भी नहीं करना चाह रहा इसको। तो फिर क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए कंट्रोल वाले मेथड से मैंने इन सारों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है लिंक लेयर्स। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इन तमाम लेयर्स का लिंक बन जाएगा आपस में। और इससे क्या होगा कि बिना ग्रुप किए हम अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे दूसरा उसके साथ मूव होगा। अभी आप देखिए मैं लेयर्स को डीसेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, सिर्फ मैंने इसको सिलेक्ट किया है, बाकी ये भी सिलेक्ट नहीं है और ये भी सिलेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे मैं मूव करने की कोशिश करूंगा आप देखिए ये सारे की सारी इकट्ठी मूव हो रही हैं। उसकी रीजन ये है कि इनको हमने आपस में लिंक किया हुआ है। अगर किसी भी वजह से आपने लिंक खत्म करना हो तो आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद लेयर पे आपको ऑप्शन मिलेगा अनलिंक लेयर्स, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लेयर्स अनलिंक हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना के रखे हुए हैं और ये ऑब्जेक्ट्स मैंने किस तरतीब में बनाया है, ऊपर से नीचे की तरफ बनाया है। तो जो लास्ट ऑब्जेक्ट आपने बनाए होते हैं उनकी पोजीशन लेयर पैनल के अंदर ऊपर की तरफ होती है। अब मुझे क्या करना है, आखिर के कुछ ऑब्जेक्ट्स हाइड करने हैं, नहीं दिखाने। अगर मैं वन बाय वन इनकी विजिबिलिटी ऑफ करना स्टार्ट करूंगा तो मेरी मेहनत, मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसका आसान तरीका क्या है? आसान तरीका ये है कि अगर मैं एक पर क्लिक को होल्ड रख लूँ और उसके बाद माउस पॉइंटर को ड्रैग करता जाऊँ। जैसे मैं नीचे नीचे ड्रैग करता जाऊँगा आप देखिएगा यहाँ तक सारे ऑफ हो चुके हैं, और जैसे ही क्लिक को मैं रिलीज करूँगा वहां तक जितनी भी लेयर्स हैं सारी की सारी हाइड हो जाएंगी। और अगर इनको फिर वापस लेकर आ रहा हूँ तो क्लिक होल्ड करते हुए अब हम ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे, और देखिए ये ऊपर की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ। अगर मैं क्लिक को छोड़ूंगा जितने भी जिनकी आईज विजिबल हो चुकी हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपको शो होना शुरू हो गए। एक शेप मैंने बनाई, एलिप्स टूल से एक सर्कल बना दिया। अब मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ, एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने रेड कलर दिया। फिर मैं कोई और टूल, ये शेप वाले टूल में से, इजी है बड़े, आप कर सकते हैं,
यहाँ से मैं पॉलीगॉन टूल ले रहा हूँ और पॉलीगॉन टूल से एक पॉलीगॉन शेप क्रिएट कर लेंगे हम। ये देखिए ये क्रिएट हुई और इसके अंदर मैं कलर दे देता हूँ ब्लू। अच्छा इसमें सबसे ऊपर शेप कौन सी है पोजिशन में? ये जो ब्लू वाली हमने बनाई है पॉलीगॉन, ये ऊपर है। इलस्ट्रेटर में भी ऐसे ही होता है, जैसे आप शेप्स बनाते जाते हैं जो एंड पे बनाएंगे वो सबसे ऊपर होगी पोजिशन में। अब ये जो सबसे एंड पे बनाई है पोजिशन में ऊपर है, अगर हम इसको पीछे दिखाना चाहें या नीचे दिखाना चाहें तो लेयर पैनल में जो भी ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की लेयर ऊपर होगी वो स्क्रीन पे सबसे आगे नजर आएगा। अब अगर इसको मुझे नीचे दिखाना है तो मैं यहाँ से इसको उठाऊंगा, क्लिक प्रेस करके ड्रैग करूंगा और नीचे लेके जाके छोड़ूंगा क्लिक। देखिए और नीचे लेकर आना, यहाँ पर क्लिक छोड़ देंगे। देखिए बिल्कुल नीचे आ गई इसकी लेयर और वहां स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं कि वो नीचे आई हुई है। इसी तरह अगर मुझे ग्रीन वाले को ऊपर लाना है तो ग्रीन की लेयर यहाँ से उठाकर क्लिक दबा के रखेंगे, ड्रैग करेंगे माउस को और ऊपर जाके छोड़ेंगे तो ये देखिए ऊपर आ गया। अच्छा सेम काम आप कीबोर्ड शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर में अरेंज में जो हम शॉर्टकट्स यूज करते हैं सेम शॉर्टकट यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। तो पहले तो पीछे भेजने वाला ये ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट, इसकी लेयर सेलेक्ट हुई भी है, अगर इसको एक स्टेप पीछे भेजना है मैंने तो मैं शॉर्टकट यूज करूंगा, कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट वाला स्क्वायर ब्रैकेट दबाऊंगा तो ये एक स्टेप देखिए पीछे चली गई। फिर अब ब्लू के भी पीछे भेजनी है, कंट्रोल दबा के लेफ्ट वाला स्क्वायर ब्रैकेट दबाएंगे अब ब्लू के भी पीछे चली गई। अगर इसको स्टेप बाय स्टेप आगे लाना है कंट्रोल प्रेस करके राइट वाला स्क्वायर ब्रैकेट दबाएंगे एक स्टेप आगे, फिर कंट्रोल प्रेस करके राइट वाला स्क्वायर ब्रैकेट दबाया एक और स्टेप आगे आ गया। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम भेज रहे थे इसको। अब अगर ग्रीन वाले को बिल्कुल पीछे भेजना है ब्लू वाले के तो अब मैं कंट्रोल और शिफ्ट दबाकर लेफ्ट वाला स्क्वायर ब्रैकेट दबाऊंगा तो इससे ये बिल्कुल पीछे चली जाएगी यानी सेंड टू बैक हो जाएगा। और अगर इसको बिल्कुल आगे लाना है कंट्रोल शिफ्ट और राइट वाला स्क्वायर ब्रैकेट आप दबाएंगे तो ये आगे आ जाएगा। शॉर्टकट्स काम को आसान बनाते हैं तो इसलिए आप प्रैक्टिस करें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी इस काम को आप यहां से भी कर सकते हैं अगर आपको ये इजी लगेगा तो।